पाने हापी स्टाइल यूट्यूब चैनल तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। यह पूर्व मु प्रस्तुत करथिबा वीडियो गुड़िक तुम्हें माने देखी अनेक संख्या रे उपकृत होइच एवं तुम मानक पाखरु अनेक मतामत मध्ये मु पाइछि। तबे एइठि मु कहि रखे जे एई वीडियो गुड़िक पूर्वरु मु तुम मानकर पाठ्यक्रम जहाकि बड़पण पद्य उपरे आधार करी गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर किभली भाव में लिखा हुए से संपर्क में मुतरे एक जनईदी जे एक नंबरिया दुई नंबरिया एवं तीन नंबरिया प्रश्नर उत्तर को किभली भाव में लिखा हुए से संपर्क में जनई किंतु अधिक संख्यार तुम्हें मत एक जनाऊ जे सार दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर किभली भाव में लिखा हुए से संपर्क में अधिक रु अधिक वीडियो प्रस्तुत कर देवाई। तबे जा हो तुम मानक मतामत को यथेष्ट गुरुत्व दे मुझे मुझे पढ़े सारी तपस्विंड पत्र उपरे आधार करी गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर किभली भाव में लिखा हुए ता बतेबी। तबे किभली भाव में मॉडल क्वेश्चन आसे से संपर्क में तुमको जनईबी भावुचे ये प्रश्नटर उत्तर कि भाया दवा को हुए ता देखला तुम्हें माने निश्चय भाव परीक्षा रे भल कर। तेबे आमे डेरी नक प्रश्न एवं उत्तर किभली लेखा जाए से आड़ी जीवा तुम मानक कही रखे जे जो प्रश्नगुड़िक काउनसिल एग्जाम वार्षिक परीक्षा तुम आसी थाए सेगुड़िक केवल जो तुम बही में थी प्रश्नगुड़ आसब तहार किसी माने ना परीक्षक निज मनर मध्य प्रश्न तैयारी करे पकई थाए तेणु मु तुमको यही केतोटी मॉडल देवी बा केतोटी क्वेश्चन बा केतोटी प्रश्नर नमूना बतेबी जो भाई भाव में प्रश्न काउनसिल एग्जाम आसी थाए तुम्हें ताकि मन रख अभ्यास कर भावुची परीक्षा रे निश्चय भाव तुम्हें भल कर। तेबे आम प्रश्न को जीवा प्रथम प्रश्नर नमूना को प्रथम प्रश्न है कौन एभली क्वेश्चन आसीपे पठित पद्य तपस्वीर पत्र अनुसरण रे रामचंद्र प्रति सीता हृदय सृष्टि होता संदेह भावनार परिचय प्रदान कर मन रख ल प्रश्न एवं आउ गोटे प्रश्नर नमूना कहिबा। द्वितीय प्रश्न को जीवा द्वितीय प्रश्न है संभवतः नारी हृदय रे संदेह रूपक विजजे सुप्त भाव रे सदा जाग्रत पठित पद्य तपस्विंड पत्र आनुकूल्य रे सीतांक अंतर्भावना उपरे पर्यालोचना कर एवं आमे एथर तृतीय प्रश्न को जीवा। तृतीय प्रश्न होउची अजनी संभूता सीतांकर अंतर्वेदनार आत्मलिपि जे परोक्षरे जड़े साधारण मानवीर चारित्रिक प्रवृत्ति सह कौन गुण रे भी कम नुहे एक पठित तपस्विनी पत्र आधार रे विचार कर प्रश्नटी मन रख लु गोटे प्रश्नर नमूना को आम जीवा आउ गोटे प्रश्नर नमूना हो गंगाधर रचन तपस्विनी सीता एवं साधारण मानवी मध्य दृष्टिभंगी तथा पार्थक्यर पर्यालोचना कर मन रख परवर्ती प्रश्न को आम जीवा मान कि भाव में प्रश्नर नमूना आसीपा तुम परीक्षा यही भाव में प्रश्न आसीपा तेरे परवर्ती प्रश्न हो गहन समस्या तथा शिष्टमय चरित्र को समातराल भाव भारसाम्य वशतः सौंदर्यमय काव्य सर्जन कवि गंगाधर मेहरजे सिद्धहस्त पठित तपस्विनी पत्र अंतराल विचार कर प्रश्नटी जान परवर्ती प्रश्नर नमूना को आम जीवा परवर्ती प्रश्नर नमूना हो पत्नी पति जे सर्वदा परम ईश्वर पठित तपस्विनी पत्र आधार यार मर्मोक्ति उपस्थापन कर परवर्ती आउ गोटे नमूना को जीवा परवर्ती प्रश्नर नमूना हो तपस्विनी सीतांक हृदय रामचंद्र को केन्द्र करी
सृष्टि होइथिबा परोक्ष आत्मज्वलनर रूपरेख को उपस्थापन कर। आम केते गुड़िए प्रश्नर नमूना जानिले वर्तमान आम यार उत्तर कि भली भाव लिखा हुए से संपर्क लिखा। तो किभली आम लिखा प्रथम मु तुमको कही जितेबाला तुम दीर्घ प्रश्नर उत्तर आरंभ करिव सेतेबेले कवि बा लेखकंकर परिचय संपर्क उपस्थापन करिव। तबे एठी कहि रखे जे कवि आउ लेखकंकर संपर्क लेखु लेखु एते गुडे लेखि दियोनी जहा फल रे जो कहते नहीं मंदिर ठारु मुखशाला बळी परिव। केहि के पिला एभळी भाबरे लेखंती जे कवि परिचय दउ दउ एभळी लेखि देथिबे जे सेइथरे खाता फिलअप हे जाइथिबो आउ विषय लेखिला बेळको पूरा रचना लेखि जाइथिबो। तो आम तो मन इच्छा रचना लिखिले आमर उत्तर टी भूल हो तेणु आम जी संभव से लिखा जी आवश्यक आम केमी लिखा। लक्ष्य कर ओडिया साहित्य जगतर काव्य सर्जन संभवतः जो यशस्वी स्रष्टागण निज प्रतिभादीप्त लेखनीर लाड़ित्य स्पर्शे पाठकों हृदय स्वतंत्र एक स्थान जाहिर कर एजावत चीर अमर हो रही तन्मध्य चीर सबुज स्वभाव कवि गंगाधर मेहर नाम अन्यतम अग्रगण्य निश्चय देख ल कि भाव लिखाला ता तलू आम जा निजर तिमिरमय जन्मजात को आपणार अंतर्दाह सहित सामिल कर दिन एवं दयनीयता मध्य कालातिपात करने समेत जीवन जटिलता प्रतिटि मुहूर्तरे अंगे अंगे अनुभव करी सुद्धा निजस्व उज्ज्वलमय प्रतिभा तथा दिगंत विस्तारी दीप्त गहन ज्ञानर शक्तिशाली साधना ही तांकु जे साहित्यर शीर्षासनरे बसाइबारे सक्षम हेबो एक कथा चिंता कले अवश्य आश्चर्य लगे। इंदुमती कीचकबद्ध प्रणयवल्लरी अर्घ्यथाळी तथा कविता कल्लोळ परि उच्चमानर संकलन समूह को ओडिया साहित्य भंडार रे छाप छाड़ी जाइथिबा एई महनीय प्रतिभांक अन्यतम मानस सृष्टि तपस्विनी काव्यातृत एही प्रसंगटिकु कवि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंक द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ को भीतिभूमि भाव ग्रहण करने सहित साधारणतः नारीर सहजात प्रवृत्ति संदेह रूपक अदृश्य कीट को माता जानकी मध्य थोई कथा वस्तुटीर एक माधुर्यमय विन्यास करेष हैमर कवि परिचय ये शेष करदे तेब आम प्रश्नटीर विषय वस्तु केमे केमती लिखा आलोच्य प्रसंगानुजाई पौराणिक कथानुक्रमे प्रजावत्सल रामचंद्र प्रजाक मत को सम्मान दे तांकर पतिव्रता पत्नी सीतादेवी परित्यागवशतः अरण्य मध्यकु छाड़ निर्वासित कर सारे आकस्मिक भाव भेट हो महर्षि वाल्मीकि सीता सादर पाछटी नहीं निज आश्रम आश्रय इतिमध्य कुश एवं लव बेनीबाड़ूत पुत्र जन्म तथा अनेक दिवस अतिक्रांत प्राय एभली एक अस्वाभाविक स्थिति रे जीवन जीथिबा प्रभु रामचंद्र पत्नी अर्थात जनक नंदिनी जानकी महर्षि वाल्मीकि पाखरु प्रभु रामचंद्र आयोजित अश्वमेध यज्ञ संपर्क संवाद प्राप्त होती एणे महर्षि वाल्मीकि सीतांकर पुत्रद्वय कुश एवं लवंकु सेमानक आश्रमस्थित जीवन काल मध्यरे समस्त प्रकार विद्यागत तालीम प्रदान कर सारे से पिता अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सहित भेट कराइवार उपाय खोजी खोजी चिंतार्थी हो पड़ा बेले रामचंद्र को भेटबार यह जे एक सुवर्ण सुजोग बोली मनेकरी खुशी अनुभव करुवा बेले मर्त्यमंडल साधारण नारीर प्रवृत्तिर प्रवाह सदृश सीता मनरे किंतु घनीभूत होदेहर विषाक्त बादल आपणा मनर अंधारी आशा रूपक संदेह को भेद करी
आशानुरूप सफल प्राप्ति आशारे देवी सीता विनम्रतार सहित निजर बीती जाइथिबा अतीतर घटनावली को एकत्रित करी लेखि बसिचंती प्रभु रामचंद्र पाखको एक अश्रुसिक्त पत्र। पतिंकर सान्निध्य प्राप्तिरु वंचित होई अरण्य मध्यरे गहन दुख को आपणे तपस्विनी जीवन काटुथिबा सीता किंतु पूर्ववत गभीर श्रद्धा ओ भक्तिर सहित पति रामचंद्र को शरणवत्सल रिपु गजांकुश तथा राज राजेश्वर इत्यादि संबोधन करने सहित अनेक दूर से थी निजर मथामत प्रणाम जनई साधारण नारीपेक्षा यथेष स्वतंत्रतार परिचय को परिदृष्ट किंतु मर्त्यर साधारण मानवीक पी नारीर सहजात प्रवृत्ति प्रमाणे सीतांक मनरे उंकी मारी उत्कट संदेहर चौरंगी छाप। वस्तुतः पत्नी को अनुपस्थित अश्वमेध यज्ञ जे असंभव एक घनीभूत हो प्राणर प्रति तंत्री तेणु प्रभु द्वितीय विवाह यही जे प्रमाण बोली मन करी माता पत्र रे उल्लेख करिछंती जे प्रभु जे नवमामा तुम अंकभाजन हेबार सौभाग्य अर्जन करिथिबो ताकू सतगुण मुग्ध करिबा लक्ष्य रे तुम्हें तुम आयोजित महाजज्ञ रे अशेष धनरत्न पाटवस्त्र मान दान करी निजर सद्गुण को वृद्धि करुथिबो निश्चय एथिरे समस्त अर्थ समेत तुम्हें मध्य सिद्धि प्राप्त हेउथिबो तुम्हें जे दानर बारिधि एवं दयार सागर तापस मानक अशांतिर नाशक मध्य तापस मानक पाई तुम्ह पाखरे कौनसी द्रव्यर मध्य अदेय न थाए एक मु भल भावरे जाने मु मध्य जने तपस्विनी सेथिपाई तुमको मागिबाकु मो मनरे मध्य एक भिक्षार उद्रेक होईछि मात्र मु किए से कथा तुम्हें जानिबार प्रयोजन नहीं जे नवमामा तुम अंकभाजन हेबार सौभाग्य अर्जन करिछि एवं जगतवासी मध्य तांकु भक्ति रे दर्शन करुथिबे से पूर्वरु केउ प्रकारर घोर तपस्या समेत केउठारे केते काल केउ मंत्र जप करिथिले केवल सेतिकि मात्र जणाई देव प्रभु एहा व्यतीत मोर अन्य कोनोसी धनर आवश्यक नाही ताहा ही मो पाई कोटिए अश्वमेध यज्ञ रे करा जाउथिबा दान ठारु मध्य अधिक ज्ञान संगे समकक्ष हेब। मोर आउ एक अनुरोध एही जे ए दुखिनीर अबोध पुत्रत्व जन्म कालरु भी पितांको अनुराग पाई नहंती कि पितांको कुळरे बसिबार भाग्य अर्जन करी नहंती बीणार तंत्री रे रामायण गान करी सेमाने केवल ए दुखिनी जननी को कंदाई जानिछंती तरुलता भी जेउठी अथय होई उठंती मानव हृदय धारण करी किए अबा नकांदी रही पारिबो तुम्हार चरित्र उपरे विमोहित हेबा सहित तुम्ह पाद पद्म को दर्शन करिबारे आकर्षित होई मोर सही पुत्रत्व महर्षि सहित तुम्ह पाख को जाउछंती तुम्हार समग्र दुख कहानी को सेमाने अवश्य तुम्हाकु सुनाइबे जहाँकु सुनिले ये दुखिनीर हृदय हानि हो जाए किंतु न सुनिले भी शुणवार उत्सुकता को दमन करी हुए ना प्रभु जदि भी से कथा को शुणा पर अतीतरे जीवन संगिनी साजिथिबा दरिद्रा वैदेहीर स्मृति तुम्ह मानसपटरे जाग्रत होई उठे तेबे तार प्रेम को तुम्हें तुम नव प्रणयिनी हस हस मुह को चाह स्वप्न बोली मन कर अवश्य भूली जीव आपणार असरती अश्रुरे धौत करी वेदनासिक्त अंतरर एतातृष विकल परिभाषा को माता जानकी पत्र लेखि सारी
आउ किछि लेखिबा उद्देश्य रे स्मरण करूथिबा बेले कुश एवं लव बेनी पुत्रंकर हस हस वदन रे सही ताहांकर भावना को भ्रष्ट करिछि। एतक आमे प्रश्नर उत्तर लेखि देले, तापरे आमे कवि के संपर्क रे टिके लेखि दवा जे वास्तविक ताक रचना केते समृद्ध होइछि। किभली लेखिबा शेष मा जे एटा शेष रे आमे किभली लेखिबा, केवल वर्णनार चातुरी नुहे बर गोटे पाखरे साधारण नारी टीएर मानसिक प्रवृत्ति सहित देवी सीतांकर अंतर्भावना को सम्मिलित करी कवि नारीर सहजात प्रवृत्ति संदेह को दृढ़ता सहित परिस्फुटन करिथिबा बेले अन्य पाखरे किंतु पतिंक प्रति पत्नीर भक्ति भावना तथा मर्यादार रूपरेख को भक्तिमता सीतादेवी आंतरिक सम्मान तथा संबोधन शब्दावली उल्लेख कर साधारण नारीपेक्षा ताहांक स्वतंत्रतार परिचय को प्रमाण करिछंती संदेह ना। तेणु कविंकर वर्णना बेस तात्पर्यपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण मध्य। तो यही पिला माने जदि तुम्हें माने दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर दियो तेबे काउंसिल बा वार्षिक परीक्षा तुम्हारा निश्चित भल हम एथिरे संदेह ना। तेबे पिला माने आजिर पाठ्यक्रम को आमे एठी रखिबा, परवर्ती भागरे आमे आउ किछि नूतन पाठ पढ़िबा बा आउ आग को पढ़िबा। तेबे गला बेले तुम मानको सेई गोटिए अनुरोध करि जाउछि जे जदि तुम मानको मोर पाठ पढ़ेबार धारा एवं शैली पसंद लागुछि एवं मोर ए भिडियो मध्य तुमको भल लागुछि पसंद लागुछि एवं एपर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करिना हो तेबे मोर एई भिडियोटीर तले डाहाण पटे अर्थात राइट हैंड साइड रे नाली रे लेखा जाइथिबा सब्सक्राइब बटन उपरे क्लिक कर दबा सहित पाखरे थिबा बेल चिन्ह उपरे मध्य क्लिक कर दियो, जहाँ फल मु अपलोड करूथिबा भिडियो गुड़िक संपर्क रे तुम पाखरे पहुँची जीव सर्वप्रथमे सूचना। आउ हाँ तुम मानक सांग साथी सहित ए भिडियो को शेयर करने सहित ए भिडटी को गोटे लाइक करने को अनुरोध रहा। तेबे आउ डेरी कहीं मो चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु ना, हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबे ना।